हम आज इकट्ठा हुए हैं ईवे बिल के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए। हमने लगभग 8 सवाल इकट्ठे किए हैं आपके लिए। सबसे पहला सवाल हम लेना चाहते हैं बिल टू शिप टू मॉडल के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, यहाँ पर दो डिफरेंट सवाल हमेशा निकल कर आते हैं कि कितने ईवे बिल बनेंगे और कौन ईवे बिल बनाएगा। तो पहले सवाल का आंसर तो है कि सिर्फ एक ईवे बिल बनेगा और कोई भी ईवे बिल बना सकता है। यहाँ पर तीन पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी है, तब बिल टू शिप टू मॉडल पूरा होगा। अगर मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर तीन पार्टियाँ ए, बी और सी। ए है जो है दिल्ली में, बी है हरियाणा में और सी है मुंबई में। सी ने ए से एक मटेरियल प्रोक्योर करने की कोशिश की जो कि उसके पास नहीं था, उसने बी से सी को भेजा। हरियाणा वाले बी ने डायरेक्टली माल सी को भेजा। यहाँ पर दो इनवॉइसेस बनेंगे दोस्तों, पहला बी जो ए को बनाएगा, दूसरा ए जो है वो सी को बनाएगा। अगर हम एज्यूम करते हैं कि बी जनरेट करता है ईवे बिल, तो शिप बिल फ्रॉम की डिटेल में बी के इनवॉइस की डिटेल आएगी, डिस्पैच फ्रॉम की डिटेल में बी की डिटेल आएगी, बिल टू की डिटेल में ए की डिटेल आएगी और शिप टू की डिटेल में सी की डिटेल आएगी। लेकिन अगर यही इनवॉइस ए जनरेट करता है तो बिल फ्रॉम की डिटेल में ए की डिटेल आएगी, डिस्पैच फ्रॉम की डिटेल में बी की डिटेल आएगी क्योंकि डिस्पैच बी के यहां से हो रहा है, बिल टू में सी की डिटेल आएगी और शिप टू में भी सी की डिटेल आएगी अगर इनवॉइस ए जनरेट करता है तो। ये तो बिल टू शिप टू की कहानी होगी दोस्तों। अगले सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस ये हैं कि मान लीजिए हम अगला सवाल आता है कि ईवे बिल की वैलिडिटी क्या है, ईवे बिल की वैलिडिटी कब शुरू होती है। ईवे बिल चेंज हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, अमेंड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है या नहीं। दोस्तों ईवे बिल की वैलिडिटी तब शुरू होती है जब पार्ट बी में उसकी डिटेल भरी जाती है। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए में परमानेंट डिटेल्स होती हैं जो इनवॉइस से रिलेटेड होती हैं, पार्ट ए में जो डिटेल्स डाली जाती हैं वहां से ईवे बिल की वैलिडिटी नहीं शुरू होती। पार्ट बी में जब ईवे बिल के पार्ट बी में जब डिटेल डाली जाती है तो वहां से वैलिडिटी शुरू होती है। लेकिन जो भी ऑल्टरेशन है वो सिर्फ पार्ट बी में हो सकती है, मॉडिफिकेशन पार्ट बी में हो सकती है, पार्ट ए में एक बार इन्फॉर्मेशन डालकर उसमें चेंज नहीं हो सकता। कैंसिल हम कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं जितनी बार चाहें मर्जी, पार्ट बी की डिटेल ऑल्टर कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये आता है कि अगर मान लीजिए कंसाइनर जो है गुड्स लेने से मना कर देता है ट्रांसपोर्टर से, तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा। ट्रांसपोर्टर के पास एक ईवे बिल है फ्रॉम सप्लायर टू रेसिपिएंट, लेकिन जब उसने वहां पर ईवे बिल लेने से मना कर दिया, गुड्स लेने से मना कर दिया, तो ट्रांसपोर्टर विद द हेल्प ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट एक नया ईवे बिल बनाएगा जिसमें सेल रिटर्न की इंफॉर्मेशन आएगी और वो वहां से गुड्स उसको लेकर वापस आ जाएगा। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ये है कि कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होगी। हम सब जानते हैं रूल 138 में लिखा है कि वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, एक्सीडिंग 50,000, अगर 50,000 भी होगी तो भी ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं। और हम सब बात कर रहे हैं इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स की दोस्तों। अब इस 50,000 की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो इनवॉइस पर जो डिलीवरी चलान पर या बिल ऑफ सप्लाई पर जो वैल्यू डिक्लेयर की हुई है उसको पकड़ेंगे, उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी जो भी टैक्स लगाया है वो जोड़ देंगे। अब अगर एक ही इनवॉइस पर टैक्सेबल और एग्जम्प्ट गुड्स भी सप्लाई हो रहे हैं तो एग्जम्प्ट गुड्स की वैल्यू को हटा देंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट 50,000 की वैल्यू। अगर फ्रेट चार्ज हुई है उसी इनवॉइस पर तो फ्रेट की वैल्यू को भी हम कंसाइनमेंट वैल्यू में 50,000 की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए नहीं जोड़ेंगे दोस्तों। ये है कंसाइनमेंट वैल्यू। अगला सवाल दोस्तों ये आता है कि अगर मान लीजिए गुड्स जो हैं, गुड्स और सर्विसेज एक ही इनवॉइस पर सप्लाई हो रहे हैं तो सर्विसेज के केस में हमें कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो ईवे बिल सिर्फ गुड्स की वैल्यू को जोड़ना है, सर्विसेज की वैल्यू को दोस्तों नहीं जोड़ना है। आखिरी सवाल जो हमारे पास ये आता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए मैं ट्रैक्टर्स कार्स का डीलर हूँ और मैं गाड़ियाँ ट्रैक्टर्स वगैरह मंगवा रहा हूँ जो कि कोई मोटराइज कन्वेंस पर नहीं आ रहे हैं, खुद से ड्राइव होकर चल कर आ रहे हैं, गाड़ी खुद से चल कर आ रही है, तो उस केस में क्या ईवे बिल की जरूरत है। और दूसरी खास बात, उन गाड़ियों पर कोई भी परमानेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है दोस्तों। उस केस में दोस्तों भी FAQ में लिखा है, CBEC के रिलीज्ड FAQ है कि ईवे बिल की जरूरत है। टेम्पररी नंबर को ही हम रजिस्ट्रेशन नंबर की तरह यूज कर सकते हैं, पार्ट बी में इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं और ईवे बिल बना सकते हैं दोस्तों। ये है बेसिक ईवे बिल की जानकारी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। और फर्दर वीडियोज के साथ GST के ऊपर हम आते रहेंगे दोस्तों।